जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता है जानता है। न तो अंधे पर कुछ गुना है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुना नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीजा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।